उम बैक टू माई चैनल नॉलेज एट यूर डोस्ट है टू डे आई टू स्प्लेन चैप्टर विज इज फॉर क्लास फोर्थ एंड आई एम टू स्प्लेट इन हिंदी नेम ऑफ द चपेप्टर इज हेल कलेन सो लेट्स बिगिन द चप्टर इट वॉज द समर ऑफ एटीन एटी 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 की समर की बात थी अल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अस्मॉल टाउन इन अलाबामा एक हेल्दी बेबी का जन्म हुआ था अलाबामा के अलाबामा नामक के एक छोटे से टाउन में हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन कैलर और उसके जो पेरेंट्स थे उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसका नाम रखा हेलन कैलर बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई लेकिन एक दिन जो वो बच्ची थी वो बेबी थी वो बीमार पड़ गई और उसका जो बुखार था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया एवरी वन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर परिवार में हर सदस्य ने उसके ठीक होने के लिए मदद की मतलब काफ़ी कोशिशें की कि वो ठीक हो जाए बट ऑल दे कुड से वॉस लेकिन जो भी कुछ वो कह सकते थे वो क्या था मतलब उन्होंने काफ़ी मदद की परिवार के हर सदस्य ने चाहा कि वो हेल्दी हो जाए मतलब ठीक हो जाए लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो जो लोग जो कुछ भी वो कह सकते थे तो वो क्या था देर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू अब कुछ नहीं है इससे ज़्यादा जो हम कर सकते हैं यानी कि अब इससे ज़्यादा हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते द बेबी मे नॉट लिव और ये भी बोला उन्होंने कि बेबी जाए शायद द बेबी नहीं बचेगी हेलन लिव्ड लेकिन जो हेलन थी वो बची वो जीवित रही बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस लेकिन बुखार के बाद जब उसका उतना हाई फीवर आया तो उसके बाद वो वैसी नहीं रही जैसे कि पहले थी उसमें काफ़ी चेंजेस आए समाइम्स इज सॉरी समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग कुछ तो बहुत गलत है हर मदर साइड उसकी मम्मी ने ऐसा कहा उसकी मम्मी ने ऐसा कहा कि कुछ तो बहुत गलत है एट लास्ट दे फाइंड आउट वट वॉज रॉन्ग लेकिन एंथ में उन्होंने ये फाउंड फाइंड आउट कर लिया कि फाइंड आउट किया कि क्या गलत था द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर जो जो बच्ची थी वो ना सुन सकती थी ना देख सकती थी अब बेबी ग्रू इन टू अ लिटिल गर्ल जो बेबी थी वो धीरे धीरे एक थोड़ी बड़ी हुई और एक लड़की में बड़ी हो गई और लड़की बन गई हर पेरेंट्स वे एड सॉरी फॉर हेलन की जो पेरेंट्स थे उसको हेलन को देख के काफ़ी दुख होता था या कि अफसोस होता था हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर हेलन जो करती थी वो अक्सर चिल्लाया करती थी और अपने मदर मदर को पकड़ लिया करती थी गिव द पुअर चाइल्ड वट शी वॉन्ट्स हर फादर वुड से और उसके पापा कह रहा करते थे कि बेचारी बच्ची को दे दो जो वो चाहती है दो हेलन कुड़ नॉट हेयर और सी शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल जब वैसे तो जबकि हेलन देख नहीं पाती थी सुन भी नहीं पाती थी लेकिन वो एक ब्राइट गर्ल थी एक समझदार और इंटेलिजेंट छोटी बच्ची थी सम पीपल थाट हेलेन कुड नॉट लर्न एनी थिंग कुछ लोग ये सोचते थे कि हेलन कुछ भी नहीं सीख पाएगी क्योंकि वो अंधी थी और वो बहरी भी थी तो सुन नहीं पाती देख नहीं पाती थी लोगों ने ये रियलाइज ये मान लिया कि वो कुछ नहीं सीख पाएगी हर मदर डिड नॉट एग्री बट उस उन लोगों की बात थी जो उसकी मम्मी थी वो बिल्कुल एग्री नहीं थी हेलन इज़ वेरी स्मार्ट शी सेड एंड एडिड द प्रॉब्लम इज ना द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हेलन की मम्मी जो है वो कहती हैं कि वो हेलन बहुत स्मार्ट है और फिर उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए बोला कि लेकिन प्रॉब्लम ये है द प्रॉब्लम इज़ कि हाउ कैन वी रीच हर कि हम उस तक कैसे पहुँचे कैसे पहुँचने का मतलब ये है कि आगे पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा हमको शी इज़ शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर्सल उसने अपने को अंदर बंद कर लिया है तब उसकी मम्मी ने सब बोला कि हम उस तक कैसे पहुँचे हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड अब जो हेलन थी वो कुछ कुछ वाइल्ड होती जा रही थी मतलब उसके जो बिहेवियर में काफ़ी चेंज आ रहा था शी व शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर वो अपने बालों को किसी को बना नहीं देती थी अपने बालों में किसी को कॉम्ब नहीं करने देती थी हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी उसकी कमी कपड़े जो थे जो ड्रेस थी वो हमेशा डर्टी रहती थी गंदे रहती थी शी वॉज ऑफन एंग्री और ज़्यादा अक्सर वो गुस्सा रहती थी समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किगड हर फीट और कभी कभी तो क्या करती थी वो ज़मीन पर लेट जाती थी और अपने पैरों को पटका करती थी हर पेरेंट्स थाट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर तो उसकी पेरेंट्स ने जब उसकी जब देखा कि जो हेलन बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गई है तो उसकी इस सिचुएशन को देखते हुए उन लोगों उनके पेरेंट्स ने उसके माता पिता ने ये डिसाइड किया या ये सोचा कि उसके लिए एक टीचर ढूँढनी चाहिए मिस अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड मिस सोल्वेन नाम की एक यंग टीचर एग्री हो गई राजी हो गई हेलन को पढ़ाने के लिए और इस दुनिया को आ, के बारे में बताने के लिए कहना चाहिए मिस सोलवन गेव हेलन अ डॉल और मिस सोल जो मिस सोलवन थी उन्होंने उस हेलन को एक डॉल दी डी ओ एल एल स्पेल्स डॉल और फिर वो बोली कि डी ओ एल एल जैसे स्पेलिंग होती थी डॉल की वो बोली उसके आगे सी स्पेल्ट द वर्ड विद हर फिंगर्स इन टू हेलेंस हेड और जब उन्होंने स्पेलिंग स्पेलिंग जो बोली तो उन्होंने स्पेलिंग को कैसे बोला उसके सामने उसके अपनी फिंगर से यानी कि मिस सोल्विन ने अपनी फिंगर से उस बच्ची के हैंड में ये स्पेलिंग लिखी इस तरह से उसको स्पेल किया ताकि वो समझ जाए क्योंकि सो नहीं सकती थी इसीलिए ऐसा किया उन्होंने शी मेड द लेटर्स विद अ स्पेशल स्पेशल हैंड साइंस और उन उन्हों जो उन्होंने लेटर्स बनाए जो उसके हाथ में लिखा उन्होंने इस अल्फ़ाबेट को इन uh, इस वर्ड को वो एक स्पेशल साइन लैंग्वेज के थ्रू उन्होंने उसके हैंड में लिखे जो कि शायद uh, बच्चे जो बच्चे देख नहीं सकते सुन नहीं सकते उनके लिए साइन लैंग्वेज यूज की जाती है उसी साइन लैंग्वेज पर लिखा हेलन कॉपी हर टीचर एंड स्पेल डी ओ एल एल टू यानी कि जो हेलन थी उन्होंने उसने अपनी टीचर को कॉपी कर लिया था मतलब वो समझ गई थी कि टीचर ने उसकी क्या लिखा है और उसने भी डॉल को स्पेल किया बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वर्ड्स शी वॉज डूइंग लेकिन वो नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या कर रही है हेलन लाइक मिस सोल्विन जो हेलन थी वो मिस सॉल्विन को बहुत अच्छा मानती थी शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी वो काफ़ी सख्त थी बहुत लेकिन बहुत दयालु थीं सी स्पेल्ट अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड और जो मिस सॉल्विन थी उन्होंने काफ़ी स्पेलिंग्स हेलन के हेलन uh, के हैंड पे uh, लिखी स्पेल की मतलब लिख लिख के उसको बोली उसको समझाई रात दिन किया उन्होंने काम ताकि हेलन उसको समझ पाए वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इन टू रनिंग वाटर और एक दिन उनकी टीचर ने क्या किया हेलन का जो हेलन uh, का जो हैंड था उसको बहते हुए पानी की जे लगाया देन सी स्पेल्ट वाटर और उसके बाद वो बोली वाटर हेलेन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड जब जब उनकी टीचर ने स्पेल किया कि ये वाटर मतलब ऐसा करके वाटर बताया तो वो समझ गई अचानक से हलन समझ गई कि वाटर क्या होता है वाटर का मतलब वाटर का मतलब होता है कुछ ऐसा चीज़ जो बहता है गीला होता है ऐसा और जिसके हाथ के ऊपर बह रहा है उसको ये रियलाइज़ हो गया कि वाटर का क्या मतलब है क्योंकि पहले उसकी टीचर समझाती थी उसको चीज़ों को तो शब्दों को स्पेल तो कर लेती थी आ, लेकिन वो क्या कर रही है वो समझ नहीं पाती थी लेकिन जब उसकी टीचर ने एक दिन इस तरह से ट्राई किया तो वो समझ गई कि वाटर क्या है और वो किस टाइप का है सी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड और वो समझ गई थी ये शब्द हैं वो इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वर्ल्ड वुड वर्ड्स वुड टेल हर एवरी थिंग ही वॉन्टेड टू नो और शब्द ही ऐसी चीज़ है जो उसको वो सब बताएंगे जो कि वो जानना चाहती है यानी कि शब्दों से वो सब कुछ जान पाएगी कि कहने का मतलब इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं डियरली मतलब वेरी मच बहुत अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा इल्नेस मतलब होता है बीमारी एग्रीड मतलब होता है राजी होना और इम्पोर्टेंट मतलब होता है मेन या मुख्य तो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें थैंक यू